माँ ये सब क्या है? वो बेटा, वो तेरी माँ माँ बनने वाली है। पापा क्या कह रहे हो आप, माँ तो ऑलरेडी माँ है। हाँ वही, मतलब तेरी माँ दोबारा माँ बनने वाली है। साहिल, he means your mom is pregnant। हाँ वही, वो दिख रहा है मुझे। लेकिन पापा ये सब कैसे, I mean क्यों? क्यों का मतलब क्या है, हमें जरूरत लगी तो हमने डिसीजन ले लिया। आपने हमसे एक बार बात करने की भी जरूरत नहीं समझी? साहिल को हमने तुमसे बात करके पैदा किया था क्या, जो अब हमें तुमसे हर बात पूछनी होगी? माँ आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं? और मम्मी पापा आपकी ना पोते खिलाने की उम्र है, और इस उम्र में आप ये सब। तो तुम लोग भी कहाँ दे रहे हो पोता? देखो पापा ये सब ना डिसीजन सोच के लेने पड़ते हैं, हमको जब जरूरत होगी हम कर लेंगे। वही तो इतनी देर से हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ठीक लगा तब हमने कर लिया। बस मुझे ना अब इस बात पे और कोई बहस नहीं चाहिए, जाओ यहां से। ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने मना किया ना तुम्हें ये सब करने के लिए? साहिल, साहिल बेटा। हाँ बाबा। अरे ये सामान उठा के ले जा, तेरी माँ उठा के लेके जा रही थी। बच्चे को कुछ हो गया तो हम रिक्स नहीं ले सकते, या ये ले जा। जी और क्या तुम भी, ये लग गई फोटो, तेरी रोज नजर पड़ेगी ना तो बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। क्या क्या आप भी? क्या सच कह रहा हूं मैं, साहिल ये सब क्या चल रहा है घर में? मुझे क्या पता क्या चल रहा है, मैं भी तो तुम्हारे साथ पुणे में रहता हूँ। ओ शिट, घर में मेहमान आने वाला है। पापा भी तो वही कह रहे हैं कि नया मेहमान आने वाला है, और अभी कहाँ से शिट, पहले तो नया मेहमान आएगा फिर वो हम पे शिट करेगा ना। ओफो साहिल तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरे ऑफिस का कलीग अर्जुन आने वाला है। तुम मना कर दो उसको, मना कर दो। मैं वही करूंगी लेकिन वो नहीं मानेगा, और वो मेरा सीनियर है, मुझे उसे डिनर में बुलाना ही पड़ेगा। तुम सुनो ना प्लीज, मम्मी को बोलना कि वो रूम से बाहर ना आए। एक और मुसीबत है यार। रूपाली थैंक यू सो मच फॉर द डिनर, और आपके हस्बैंड कितने ह्यूमरस हैं। माँ बाप की देने, बस माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे। अरे बेटा हम लोग जरा बाहर वॉक करके आते हैं। अरे वो खाना अच्छा बना है ना तो लगता है माँ ने ज्यादा खा लिया। मैंने भी ज्यादा खा लिया है, मैं आपसे पुणे ऑफिस में मिलता हूँ। बाय। हाँ। साहिल आज तो हद ही हो गई। क्या जरूरत थी आप दोनों को बाहर आने की? अरे कैसी बात कर रही हो, बच्चे की सेहत के लिए थोड़ी बहुत वक्त तो जरूरी है ना। अरे बच्चा बच्चा बच्चा, अगर आपसे गलती हो ही गई थी तो गिरा क्यों नहीं दिया इस बच्चे को? तेरे साथ ऐसा किया होता तो ठीक है, तू ऐसे ही चाहता है ना। लो अब खुश। मतलब ये सब नाटक कर रहे थे? हाँ क्यों माँ? क्योंकि तुम लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया, तूने जाकर इतना व्यस्त हो गए कि घर आना ही छोड़ दिया। पहले तो दिन में एक बार कॉल, फिर हफ्ते में एक बार, और महीने में एक बार कॉल आ जाए वो तो गनीमत है। और तुम दोनों अभी आए हो तो ऑफिस के काम के लिए आए हो ना। अरे क्यों पापा बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो, एक बार बेच दिए ना आपको पैसे, समझ में नहीं आता क्या? बेटा बाद में कॉल नहीं आता है, एक मैसेज आता है,
कॉल यू लेटर। तुमको क्या लगता है हम तुमसे पैसे मांगने के लिए फोन करते हैं? पड़ा है तुम्हारा पैसा बैंक में, क्या करे उसका? इंसान अगर जब खुशी नहीं होगा तो पैसे का यूज कैसे करेगा? बच्चों, हमारी असली खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ रहने में है। I'm sorry, Ma. Sorry, Papa. हम दौलत कमाने के पीछे इतना उलझ गए कि अपनी असली दौलत पीछे भूल गए। हमें हमेशा किसी चीज की कमी महसूस होती थी। वहाँ हमारे घर तो है लेकिन आप दोनों के आशीर्वाद की छत नहीं है। मुझे भी माफ कर देना, हमने ये सब जान के नहीं किया है बिल्कुल भी। तो बस अब तू ही तय कर ले कि तू मुंबई में आके जॉब करेगा या हमें पुणे लेके जाएगा। वरना तीसरा ऑप्शन तो खुला है जो तुम देख चुके हो, वो सच भी हो जाएगा। नहीं, आप हमारे साथ पुणे चलिए, वहां पे जितना भी वक्त होगा हम साथ में गुजारेंगे। ये हुई ना बात। अगर हमारी कहानी आपके दिल को छुई हो तो अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जस्ट कहानियां।